जिसने भी बात सच्ची कही है अच्छी कही है, कहीं जिसने भी बात सच्ची कही है अच्छी कही है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। जिसने भी बात सच्ची कही है अच्छी कही है, ये बच्चों को पाले ये दिन रात जागे दिन रात जागे, ये बच्चों को पाले ये दिन रात जागे, मुसीबत में भी है यही आगे आगे, यही जोड़ रखे गृहस्थी के धागे गृहस्थी के धागे, कभी कुछ न चाहे कभी कुछ न मांगे, बड़ी से कोई भी हस्ती नहीं है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत बनाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत, जो देखो हुकूमत चलाती है औरत, कोई हद नहीं इसकी कुर्बानियों की कुर्बानियों की, जो मौका पड़े जान लुटाती है जन्म आदमी को भी देती यही है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। इस औरत को इतना गिराते हो क्यों तुम गिराते हो क्यों तुम, इस औरत को इतना गिराते हो क्यों तुम, लुकोटों पे इसको बिठाते हो क्यों तुम, ये औरत है दुनिया में हर घर की इज्जत हर घर की इज्जत, इस इज्जत की अर्थी उठाते हो क्यों तुम, बहन भी है बेटी भी माँ भी यही है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। कही जिसने भी बात सच्ची कही है अच्छी कही है सच्ची। स्टेट वर्सेस हनुमान सिंह, प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। योर ऑनर, इस केस में मेरा आखिरी गवाह है जमुना दास। जमुना दास हाजिर हो। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। नमस्कार। अरे जल्दी करो यार, क्या करते हो इतना टाइम लगाते हो। यही तो था वो कौन जिसने मुझे चाकू मारते हुए देखा था। तुमने चाकू मारा था क्या? इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे बाबा, हम सच के सिवा कुछ बोलेगा नहीं, हमेशा सच बोलता है यार। कितने टाइम तो आए लाए, बार बार पूछता है यार। योर ऑनर। योर ऑनर कौन है?
ऑर्डर 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 ऐसे क्यों है? योर ऑनर, इस इंसान के होठों को जरा गौर से देखिए। क्या हुआ मेरे होठ को? तुम पान बहुत खाते हो जमुनादास। अरे पान खाता हूँ तो कौन सा बुरा करता हूँ, हिंदुस्तान में लाखों ने करोड़ों लोग पान खा रहे ले। ये तो शुक्र है कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप भी नहीं पीना, लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, पर सब लोग पी रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। कैंसर हो गया। तुम दिन से लेकर रात तक कितने पान खा लेते हो? रात में सोने में कितने खाता हूँ मेरे को मालूम नहीं है, पर दिन में जागने के अंदर में 60 से 70 पान खाता हूँ। योर ऑनर, इंस्पेक्टर सावंत की गवाही से ये बात साबित हो चुकी है कि बहुत कम रोशनी में जमुना दास ने हनुमान सिंह को पहचाना था। बरोबर पहचाना था बा, बरोबर पहचाना था, बरोबर पहचाना था। जमुना दास, 19 जुलाई की रात को 10:30 बजे तुम कहाँ थे? मैं लल्लू हलवाई की पनवाड़ी की दुकान के ऊपर था। ये लल्लू पनवाड़ी की दुकान कहाँ है? अरे वो जो नंदू हलवाई है ना, उसकी बगल की, नुक्कड़ की बगल की जो मूत्री है उसके बगल में है। ये नंदू हलवाई की दुकान किस गली में है? अरे शांति निकेतन साड़ी सेंटर है ना, उसके पीछे है भाई। ये साड़ी सेंटर कहाँ है? अरे कलीमुद्दीन वो गोश्त वाला कसाई है ना, उसके सामने। जमुना दास, तुम्हें कोई और तरीका नहीं आता पता बताने का? अरे आप तो चिल्लाते हो यार। अरे भाई इधर बम्बई शहर में इसी तरह से आते पते होते हैं, एक से दूसरे का पता जुड़ेला निमुड़ेला रहता है। अरे आसाई ने कसाई, इन लोगों के पते आप लोगों की तरह छपे हुए थोड़े होते हैं, कारट के माफक किधर दो खटाखट खटाखट। तुम कहाँ रहते हो? बहुत गुस्सा करते हो आप, पूछ पूछो क्या तुम कहाँ रहते हो? दिलीप कुमार के मकान के पीछे। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा ये बताओ जमुना दास कि 19 जुलाई की रात को 10:30 बजे लल्लू पान वाले की दुकान पे पान खाने के बाद तुमने क्या किया? क्या किया? अरे मेरे बाप, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, पनवाली की दुकान से सीधा घर जाता हूँ बस। पनवाली की दुकान से घर तक तुमने क्या देखा? क्या देखा? अरे दुश्मन को नहीं दिखावे मैंने वो देखा साहब, मैं पान खा के लंगड़ाते लंगड़ाते हल्लू हल्लू अपने घर की तरफ जा रहा था। बीच में एक खंभा आया, पान की पिचकारी मुँह में भर गई थी, मैंने पिचकारी मारी फचाक, मेरे को आवाज आई खचाक। ये खचाक क्या होता है? खचाक आपको नहीं मालूम? अरे जब किसी को चाकू मारते हैं ना खचाक, तो आदमी खलास, वो आवाज होती है खचाक। खैर फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने क्या किया? अरे एक आदमी मर जाए तो क्या करे दूसरा आदमी, मैं चिल्लाया अरे भाई बचाओ कोई आओ, जैसे दिलीप कुमार चिल्लाया था फिल्म मसाल के अंदर। पन कोई खिड़की नहीं खुली थी, कोई गाड़ी नहीं रुकी थी, पन मेरी आवाज में दम था, गाड़ी रुक गई। फिर क्या होना था? गाड़ी रुकी तो कातिल भाग गया साला। फिर क्या होना था? सब लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने वो किया जो एक इंसान इंसान के लिए करता है, मैंने इंसान को अपने कंधे पर रखा, ने पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया साले को। अच्छा जमुना दास, तुम उस चाकू वाले की शक्ल पहचान सकते हो? चाकू वाला बोल रहे ले, अरे खूनी बोलो कातिल बोलो, वकील है। तुम उस खूनी की शक्ल पहचान सकते हो? अरे साहब 1857 के जितने भी खूनी और कातिल हैं उनकी शक्ल पहचान सकता हूँ माय डियर ब्रदर। तुम्हारी उम्र क्या है? 1857 अभी कौन सा सन है? अरे बहुत बड़ी उम्र हो जाएगी। खैर जा रहे हो इन बातों को, खैर छोड़ो इन बातों। तुमने अभी कहा कि तुम खूनी की शक्ल पहचान सकते हो। हाँ बरोबर पहचान सकता हूँ। तो फिर पहचानो इस अदालत में खूनी कौन है। खूनी कौन है? नहीं ये मोहम्मद खूनी है, पकड़ लो उसको। अरे डेथ ऑल हुई ओनर, अरे डेथ ऑल, अरे पकड़ लो उसको। अरे ओनर योर विटनेस। डिफेंस की इल्तिजा है कि इस केस की हियरिंग 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी जाए। वकील साहब, क्यों आपने जज साहब से 2 दिन आगे की डेट ली? उस गवाह से पूछताछ क्यों नहीं की? क्योंकि वो गवाह सच कह रहा था, यही तो गड़बड़ है।
मैं सच को झूठ साबित करने वाला वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच को सच साबित करता हूँ, समझे? सच 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 क्या है मिस्टर राकेश? सच ये है कि इस इंसान ने जुर्म किया है। मैं इसे डिफेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं अदालत में ये काला कोट पहनकर उस आदमी को सजा से बचाने जाता हूँ जिस पर पुलिस ने इल्जाम लगाया है, लेकिन जो मासूम है उसे नहीं, जो वाकई में मुजरिम है। नहीं, तुम अदालत में उस इंसान को बचाने जाते हो जिसने फीस देकर तुम्हें एंगेज किया है। ये तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज सच से बड़ा नहीं है मिस्टर चौधरी। मिस्टर राकेश, कानून शब्दों का एक बहुत बड़ा अंबार है और अदालत एक ऐसा अखाड़ा है जहां हम वकील लोग खिलाड़ी बनकर इन शब्दों से खिलवाड़ करते हैं। अदालत में माने जाने वाले सच और झूठ की तामीर इन्हीं शब्दों से होती है। मिसाल के तौर पर तुम्हें सच का एक नमूना दिखाना चाहता हूं। मिस्टर शर्मा, आप जरा बाहर जाइए तो। नंदू, शर्मा साहब को रोको, मत जाने दो। ये एक सच है, अब दूसरा सच देखो। नंदू, शर्मा साहब को रोको मत, जाने दो। देखा, एक भी शब्द की बढ़ती किए बगैर सिर्फ बोलने के अंदाज ने जो पहले सच का उलट झूठ था उसको भी सच साबित कर दिया। अब मुझे ये समझाओ कि तुम कौन से सच की बात कर रहे हो, हैं? मैं इस सच की बात कर रहा हूँ चौधरी साहब, जो दर्द है, जख्म है, जुर्म है। मैं कभी ये साबित करने अदालत में नहीं जाऊंगा कि ये पिन आपने मुझे छुपोया है, क्योंकि ये सच नहीं है। ग्राहक देवता होता है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है, और जो क्लाइंट हमें एंगेज करता है वो हमारा ग्राहक होता है। लिहाजा हमारा ये फर्ज है सोचना कि हर ग्राहक बेगुनाह है। ऐसा नहीं हो सकता चौधरी साहब। देखकर, सुनकर, जानकर मैं अपनी सोच पर काबू नहीं रख सकता। तब तो मुझे अफसोस है मिस्टर राकेश कि आप इस दफ्तर के काबिल नहीं हैं। ठीक है, मैं ये कहकर जाऊंगा कि ये दफ्तर मेरे काबिल नहीं है। आप कुछ भी कहिए चौधरी साहब, ये आदमी है उसूलों वाला। कौन से उसूल, कैसे उसूल मिस्टर कॉल? ये दुनिया सिर्फ काले और सफेद पर नहीं चलती है। आज की सभ्यता ने काले और सफेद के कॉम्बिनेशन से कोई 50 किस्म के और रंग बना दिए हैं। ये दुनिया सिर्फ सच और झूठ पर नहीं चलती है, ये दुनिया चलती है सच्चे झूठ और झूठे सच पर। अकल जिस लहर का नाम है उसका किनारा कामयाबी है, सिद्धांत नहीं। जिंदगी में इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। टमाटर कैसे दी भैया? 4 रुपए किलो। 4 रुपए किलो? जी हाँ। अच्छा अच्छा, आधा किलो दे दो, सड़े हुए मत देना। घबराइए मत मेम साहब, हमारा माल सड़ा हुआ नहीं रहता। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ये रास्ता है लोगों का चलने का रास्ता, ये मार्केट प्लेस नहीं है। जाने भी दीजिए वकील साहब, बेचारा 2 वक्त की रोटी कमाता है और हमारा बाजार जाने का वक्त भी बच जाता है। आप सब्जी खरीदने के बहाने अगर थोड़ा चल फिर लेंगी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर 3 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं हटे तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगा, समझे? काला कोट पहनकर खाकी वर्दी जैसा बात करता है। अरे भैया हटा ले अपनी गाड़ी यहाँ से, वरना यह सचमुच पुलिस में फोन कर देगा। इसके दिल में दया रहम नाम का कोई चीज नहीं है, खाली उसूल ही उसूल है। शोभा जी साहब। शोभा कहाँ है? मैं सब बाजार गई। जल्दी से गर्म चाय पिलाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोलो शोभा को, जब देखो कुछ ना कुछ खरीदने का भूत सवार रहता है। शॉपिंग शॉपिंग, बोर हो गया मैं। अरे
दोनों घड़ियां कैसे गलत हो सकती है? क्या हुआ? अनहोनी बात, तुम जल्दी घर आ गए। पिछले चंद सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ। बहुत कुछ खरीद लाए हो, पैसों से दुश्मनी है तुम्हें, काटने हैं पैसे। घर का सामान है सारा, इस हफ्ते का नहीं, दो हफ्ते का लेके आई। लोग महीने भर का सामान भी खरीदते हैं, मगर वो लोग जिनके पास काफी पैसे होते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैं दरअसल शाम चाचा की दुकान के सामने से गुजर रही थी, तो उन्होंने अंदर बुला के चाय वाय पिला दी, उन कुछ पर्दे का कपड़ा दिखाया और बल्कि कार्ड भी दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त, उन्होंने कहा बाद में ले लेंगे। यानी कि उधार? हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैं उधार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ बनस्पत उधार की जिंदगी जीने का। उधार एक तरह की भीख होती है, और भीख लेने वाले को समाज और दुनिया इज्जत की नजर से कभी नहीं देखती, समझी? कान खोल कर सुन लो, दिमाग में बिठा लो कि मैं अपनी इज्जत को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा, समझी? देखो ना, घर के पर्दे भी तो पुराने हो गए हैं और फटने लगे हैं। घर की जरूरतों पर भी रोकथाम लगानी होगी। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी छोड़ा हूँ। ये क्या कह रहे हो? ओह गॉड, अब क्या होगा? इस पहाड़ जैसे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारी ये नौकरी छोड़ने की आदत छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैं अपने असूलों को नहीं तोड़ सकता, ईमान को नहीं छोड़ सकता, इसलिए नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं। मगर तुम घबरा मत, मैंने 8-10 जगह और भी इंटरव्यू दे रखे हैं। शुक्र है भगवान का, मैं तो डरी गई थी। डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सोच समझ के खर्च करने की, और जरूरत है भगवान का शुक्रिया अदा करने की। मैंने तो जब डैडी की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की थी, तो सिवाय अभाव की क्या था तुम्हारे पास? था दो इंसानों के सोने लायक एक बिस्तर, एक छोटे से कमरे में सब कुछ जरूरत से कहीं ज्यादा कम था। मगर एक चीज जरूरत से ज्यादा थी। क्या? प्यार एक दूसरे के लिए और जोश गरीबी से आगे बढ़ने के लिए। मेरी मानो आज खाना पकाने का झंझट छोड़ो, हम यही कुछ खा लेते हैं। घर पे पका के खाने में 30% पैसे की बचत हो सकती है। पका कर खाने में 30% पैसे की बचत हो सकती है, और यहाँ खाने में 30% वक्त की बचत हो सकती है। तुम्हें किस चीज की जरूरत है, वक्त की या पैसे की? आज की रात मुझे तो वक्त की जरूरत है। अरे उठिए, दिन चढ़ गया है। उठो ना,
देखो लेटर बॉक्स में लेटर डाल के चला भी गया होगा पोस्टमैन, कह रहा तो क्या, लेटर बॉक्स में पोस्टमैन लेटर नहीं तो क्या रुपए डाल के जाएगा? हो सकता है रुपए डाल के जाए। क्या मतलब? कोई ऐसा खत जो तुम्हारी नौकरी के बारे में होगा, रुपए के बराबर ही तो होगा ना। नौकरी चलो खोलो ना, सोच क्या रहे? तुम्हारी एक्साइटमेंट मुझे नर्वस कर रही है। कम ऑन। लेट्स सी। क्या है भाई, मुझे भी तो बताओ। क्या है शोभा? मुझे फास्ट फूड एक्सपोर्टर्स कंपनी में 3,000 रुपए की नौकरी मिल गई। सच? हाँ, देखो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब सब परेशानियां दूर होंगी, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये सवेरे सवेरे गरबा हो रहा है यहाँ, है? और वैसे भी आजकल नाच गाने और खुशियों का अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ कैसे आ गई? वो सब बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम इतनी सुबह कहाँ से आ गए? अरे अरे भाई, अच्छी सूरतें और अच्छी चाय सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है, और वो दोनों तुम्हारे यहाँ मिलती है जैसे कि ये बिन मांगे मिल गई। देखो ये चाय कहाँ की है? अरे चाय चाय पे लिखा है पीने वाले का नाम, और वैसे भी साहब की तो इस घर में सिर्फ शोभा है, और तो किसी का भी हो सकता है। वाह वाह शोभा, आज सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे भाई, कौन कहता है इस पृथ्वी में सिर्फ एक ही सागर है? जिसने तेरा चेहरा देखा कहने लगा कि तू दो दो। अरे तुम क्यों घूर रहे हो भाई? मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी की तारीफ कर रहा हूँ। औरत का धर्म उसकी खूबसूरती, करेक्ट? अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो, काम पे नहीं जाना क्या? देखो, अरे घर का मरद चढ़ी दोपहर तक घर बैठे तो घर कैसे चलेगा? हाँ हाँ, तुम्हारी तरह बेघर तो हुई नहीं, और ना ही ऐसा हूँ जिसके पास चलने के लिए सिर्फ दो टांगे हो और कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज और भी है, भेजा भेजा भेजा, अरे वो भी चलता है। अब तुम जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद मैं और शोभा जी अपना अपना भेजा लड़ाएंगे भी और चलाएंगे भी। चलो शोभा, मेरे कपड़े वगैरह दे दो। तुम जाओ, तब तक माँ बदलो चाय पियेंगे। मुझे उसका यहाँ आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा दोस्त है, हंसते खेलते हुआ आता है, दो चार हंसी खुशी की बातें करके चला जाता है, और अच्छा आदमी है। तुम्हें अगर इतना अच्छा लगता है तो जाना उसके साथ, हंसो खेलो, जाओ। राकेश, जब मैं जाने लगता हूँ तो वो आ जाता है, जब आता हूँ तो वो जा रहा होता है। लगता है मेरी गैर हाजिरी में इस घर का वही सब कुछ है। मैं नाश्ता बना, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। वो कब आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है और किसके लिए आता है। बस 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 बस, देखो देखो, ज्यादा खड़ा हो जाएगा तो फिर दांत में तकलीफ होगी ना चबाने में। प्लेट में दो। बहुत भूख लग रही है, तुम तो जानती हो मुझे, जब भूख लगती तो मेरा पेट एकदम तुम बहुत मजा करो, बहुत गर्म है, इसको जरा टहलते टहलते खाएंगे ये भी लो, ताकि ठंडा भी होगा और मजा भी आएगा। नहीं शाबाश। ओहो, क्या मजेदार भजिया बनाया शोभा ने, इत्मीनान से खाने का मजा आएगा। तुम खाओगे? तुम तो जा रहे हो ना, तुम टिकट कर, तुम जा रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत कुछ। आओ राकेश, प्लीज कम इन, ये तुम्हारा केबिन है, इस पूरे ऑफिस के तुम अकेले इंचार्ज हो, जिसको चाहो निकालो रखो, स्टाफ कम करो ज्यादा करो, सॉल अप टू यू, तुम्हारे किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं करेगा, यू आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। सिर्फ कंपनी की तरक्की होनी चाहिए, यू सी, प्रोग्रेस इज अ मस्ट। श्योर सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एंड मिस बेडेकर, रिसेप्शनिस्ट सर, एंड मिस्टर केदार, मिस्टर रघुनाथ सेठ, नमस्ते। तुम्हारा नाम? ओलिया ओलिया, इंपोर्ट इंचार्ज, वही अंदर का माल बाहर करता है। मिस्टर खन्ना, नमस्कार। मिस्टर संपत मेहता, संपत भाई, ये संपत भाई, ये संपत भाई,
আমাদের অফিসের নতুন ম্যানেজার মিস্টার শম্পো এক্সপোর্ট ইনচার্জ ওই ইয়ে মানে বাহার কামাল অন্দর করতা হ্যাঁ স্যার স্যার মে আই কাম ইন কাম ইন স্যার মেরা নাম গঙ্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলি স্যার স্যার স্টাফকে তরফ সে হম সব ইস দপ্তর মে আপকা স্বাগত করতা হ্যায় ওয়েলকাম স্যার থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার গাঙ্গুলি স্যার গাঙ্গুলি মিস্টার গাঙ্গুলি স্টাফ সে কে দেনা মে ইসকো সচ্চা স্বাগত তভি মানুঙ্গা जब हर आदमी अपना काम सही और ठीक वक्त पर करता रहेगा ओके सर ओ मिस्टर गंगोली मिस्टर संपत की पर्सनल फाइल यहाँ ले आइए ओके सर ओके अब मैं जाऊं सर जी हाँ थैंक यू अरे तुम सुबह से अभी तक माइलस्टोन की तरह यही हो गलत सरासर गलत मैं सुबह भी था अब भी हूँ लेकिन बीच में नहीं था देखा नहीं कपड़े बदले हुए हैं फिर माइलस्टोन कैसे बन गया है शोभा कहाँ है शॉपिंग 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 बाजार खरीद फरोख्त के लिए कुछ गई है तुमने भी कुछ खरीदा क्या क्या है ओहो फूल है वाह 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 मेरे लिए लाए नहीं तुम मेरे लिए कहाँ से फूल लाओगे शोभा के लिए लाए होंगे है ना वही वाह अरे यार हे पहली शादी देखी मैंने अपनी लाइफ में जो 7 साल होने के बाद अब भी जवान है मतलब प्यार अभी तक जिंदा है और क्या कहते तुम चिंगारी अभी तक भड़क रही है वाह बहुत ही बढ़िया क्या बात वाह वाह अरे फूल मेरे लिए गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले आपने सही सोचा मोहतरमा ये फूल आप ही के लिए हैं तुम तो जानते मुझे फूल कितने अच्छे लगते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ फूल तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं पर ये फूल बदकिस्मती से मैं नहीं तुम्हारे पति देव लाए हैं मजाक मत करो 7 सालों में ऐसा हुआ ही नहीं तो अब कहाँ होगा इन्हें फूलों से कहाँ प्यार है हाँ मुझे कांटों से प्यार है क्या हुआ तुम्हारा मूड क्यों खराब यही नौकरी अच्छी शोभा भले ही कमल मेरा दोस्त है मगर तुम जानती हो कि मैं उसका यहाँ आना पसंद नहीं करता फिर भी उसके सामने तुमने उसके सामने मुझे इतना गिरा दिया मैंने 7 सालों में तुम्हें एक फूल भी नहीं दिया अपने पति की यही कीमत है तुम्हारी नजरों में नंगा कर दो मुझे भरे बाजार में राकेश पर मैं तो ऐसे ही ये तो मजाक की बात थी जो बात मेरे तन बदन में आग लगा देती है वही करती हो तुम हमेशा राकेश तुम गलत दुनिया वाले कुछ भी समझे हमें प्रेम दीवानी कमल तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या जिंदगी में हर गुजरने वाला पल दोबारा नहीं आता वक्त को इस बुरी तरह क्यों बर्बाद करते हो दोस्त क्या है कि इंसान वक्त तो कभी बर्बाद नहीं करता वक्त इंसान को बर्बाद करता है और मैं वक्त का और इंसान का यानी दोनों का अर्थात अपने आप का सही इस्तेमाल करता हूँ अरे यार शोभा जी के हाथ का लजीज खाना खाने के बाद तो माय डे इज मेड यानी कि दिन सफल हो गया समझा कि नहीं समझा नमस्ते डॉक्टर हेलो शोभा कैसी हो बस अच्छी आइए ना आइए आइए कैसे हो भाई ठीक ठाक बैठिए बैठिए भाई इस बेवक्त की मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ अरे ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब ये आपका अपना घर है खाना खा के जाइएगा भाई खाने वाने की बात गलत है मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये याद दिलाने आया था कि मेरे घर पे जो पार्टी है उसमें आना मत भूलना और जनाब कमल साहब के घर पे गया था मालूम हुआ कि शहर आजम कवि महाराज यहाँ तशरीफ लाए हुए अरे डॉक्टर साहब हमने तो आपको देखा ही नहीं भाई बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लेकिन आजकल तो लगता है डॉक्टर्स भी पहुँचे हुए हैं मतलब
हर जगह पहुंच जाते हैं, बुरा नहीं मानना देगा। अरे डॉक्टर साहब मैं तो भूल गया, आज तो अपनी अपॉइंटमेंट है, हमको तो जाना है लड़की देखने। देख दोस्त आज मेरे नसीब में तुम्हारा नमक नहीं है। अरे अब तो हम भी घर बसाएंगे और शोभा जी अब जोड़े में आके खाएंगे। दोस्त तुम जरा मेरी शादी की तैयारी करो। ओके डॉक्टर साहब चलें। अच्छा राकेश गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा शोभा बाय। डॉक्टर साहब क्या बात है शोभा? डॉक्टर साहब कमल तो आपको मालूम है हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, आप ही बताइए ना क्या हालत है उसकी। शोभा क्या बताऊं, ये हमेशा हंसने खेलने वाला इंसान अब और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उनमें मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। हे भगवान। शोभा अब जो आखिरी टेस्ट बाकी है उसके लिए ले जा रहा हूं, मगर उम्मीद नहीं कि अब तक जो कुछ हो चुका वो गलत साबित हो। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, अब तो राकेश को बताना ही पड़ेगा ना। नहीं शोभा ना, तुम्हें मेरी कसम कमल। अरे ये तो डॉक्टर साहब ने तुम्हें बाय चांस बता दिया, वरना मैं तुम्हें कभी पता लगने नहीं देता, चुपचाप एग्जिट मार लेता। लेकिन कमल वो तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ कि उसे मत बताना। देख कसम याद रहेगी ना, वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत चाहता है मुझे। कमल तुम नहीं जानती ये सच उसे कितना दुख पहुंचाएगा, मैं जानता हूँ। प्लीज प्लीज उसे मत बताना, तुम उसे दुखी मत करना। अरे हम लोगों का तो फर्ज है कि उसे सुखी रखें, खुश रखें। और वैसे भी मैं तुम दोनों को इतने जल्दी छुटकारा देने वाला नहीं हूँ, अभी तो बहुत मजाक करना बाकी है, बड़े अरमान है दिल में। डोंट वरी हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। ओके हाँ डॉक्टर साहब हम चलते हैं। अच्छा वैसे भी किसी डॉक्टर के हाथ में एक बार हाथ डाल दिया तो मौत तो लाजमी है। अच्छा शोभा चलता हूँ मैं। हाँ बाय शोभा। बात कर ली अकेले में अपने यार से? तीसरी प्लेट लगाई जाती है, डिनर के लिए रोका जाता है, दावत दी जाती है। प्लीज भगवान के लिए खाना खा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। शट अप, हाथ जोड़ने से गला रुदने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है, मुझे मालूम है इस घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। ये क्या रोज पालक बनाती हो, जब देखो घास खिलाती रहती हो, कोई और सब्जी नहीं मिलती मार्केट में, गोभी नहीं मिल सकती? नहीं वो गोभी दिखाई नहीं दी मार्केट में। झूठ मत बोलो शोभा, तुम जानती हो मुझे झूठ से नफरत है। कल शाम को मैंने अपनी आंखों से देखा भाजी वाले को गोभी बेचते हुए, तुम्हें मेरी पसंद का ध्यान नहीं, मेरी जरूरत का ख्याल नहीं, दूसरों की पसंद की भजिया बन जाती है, मेरी पसंद की भाजी तक नहीं बनती। ये किस तरह का घर है, किस तरह का रिश्ता है? तुम्हारी हां में हां नहीं मिलाया तो बाप होकर भी दुश्मन हो गया। राकेश गलत है, उसके हालात गलत हैं, उसके सोचने समझने के तरीके गलत हैं, और सबसे ज्यादा गलत है तुम्हारी उससे शादी करने की जिद। राकेश अपने बनाए हुए इलॉजिकल सच, कच्चा ईमान, बेबुनियाद उसूलों का पुतला है। वो कठोर है, हवाओं में तैरता है, जिंदगी में वो कभी समझौता नहीं कर पाएगा। और जब तुम्हारा प्यार और तुम्हारी सेवा उसको बदलने में नाकाम हो जाए तब मेरे पास नहीं आना। ऐसी औलाद के होने से तो ना होना अच्छा है, माँ बाप को तो दुश्मन समझते हैं। शादी
बहुत बात होगी, चलो अब सो जाते हैं। मुझे अभी बहुत काम करना है। अपनी बीवी के लिए वक्त नहीं तुम्हारे पास, रात को भी वक्त काम के लिए होता है, ऐश करने के लिए नहीं। मैं इतना काम करता हूँ इसलिए मुझे इतनी इज्जत मिलती है ऑफिस में। ऑफिस में और भी लोग हैं, सब लोग इतना ही काम करते हैं क्या? दूसरे क्या करते हैं मुझे इसकी फिक्र नहीं, मुझे क्या करना है मैं सिर्फ यही जानता हूँ। अगर लाइट डिस्टर्ब करती है तो दरवाजा बंद कर देना। जो ममता है इसकी निशाने खुदा है, ये सीता ये मरियम भवानी यही है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। Sinha sahab, these are all the reports I have. This one is an old X-ray. This one is the latest X-ray. I have got it. See, the heart is enlarging. I have got the latest cardiogram also. You see, from this report, patient's condition is very serious. ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेगा। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें हमेशा पैसे ही चाहिए होते, अब और पैसे क्यों चाहिए? बहुत सी जरूरतें हैं, धोबी का बिल है, नौकरानी की तनख्वाह है, और भी खर्चे हैं। पैसे किसी झाड़ पे नहीं उगते शोभा, ना मेरे केस में कोई नोट बनाने की मशीन है। ये लो, इससे काम चला, फिलहाल बाद में देखेंगे। मेम साहब, मेरी पगार तो आप दे चुकी। हाँ, मैं भूल गई थी शायद।
बैठो। ठीक वक्त पर आ गई तुम। मैं हमेशा वक्त पर ही आती। ये 500 है, गिन लो। गिनने की क्या आवश्यकता है, सदा जितना कहती हो उतना ही होता है। ये ब्लैकमेल है। शोभा जी, ये ब्लैकमेल कहाँ है? ये तो मेरी खामोशी की कीमत है। मैं पूछ सकती हूँ ये कीमत मुझे कब तक चुकानी पड़ेगी? वेरी सिंपल, जब तक मेरा बोलना आपके लिए खतरनाक हो। भगवान के लिए मुझ पे दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीना पिंजरे में बंद उस पंछी से भी बुरा है जो सिर्फ फड़फड़ा सकता है, खुली हवा में उड़ नहीं सकता। मैं रातों को टाइपिंग का काम करती हूँ, घर के खर्च में से तोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे करती हूँ। इसके लिए मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, डांट खानी पड़ती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब ये सब बस करो। ये कैसे हो सकता है शोभा जी, आवश्यकता इंसान को पैसे की सदा ही रहती है। मैं कब इनकार करती हूँ, लेकिन वो मेरी जरूरत थी, मजबूरी थी। करेक्ट, बात आवश्यकता की थी तब भी और अब भी। तब आवश्यकता आपकी थी, अब मेरी है। शोभा जी, आपके लिए मैं इस माचिस की तरह से हूँ। जरा सोचिए, एक चिंगारी अगर मैंने आपके पति के सामने लगा दी तो अगर उन्हें पता चला तो? उनको पता नहीं चलना चाहिए। देखिए देखिए, फिर आपको मेरी खामोशी की आवश्यकता पड़ी ना तो आप मुझे पैसे देते रहिए, मैं चुप रहूंगा। वरना एक बात बताना तो भूल ही गया, आपके पति हमारे ही दफ्तर में मैनेजर बनकर आ गए हैं। जी हाँ, आवश्यकता पड़ने पर ये रिश्ता भी काम में आ सकता है। कभी कोई काम निकालना हुआ तो आप तो मेरी मदद करेंगी ही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आवश्यकता पड़ने पर ऐसा ही होगा, समझी? अब आप जाइए यहाँ से। सुनिए, काउंटर पर चाय का बिल चुकाती जाइएगा। शंपत भाई, ओ शंपत भाई, ऑफिस आने का टाइम 10:30 है, तुम लेट आया है। तो क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है, मैनेजर का पियोन 3 बार आया था तुम्हें बुलाने। आवश्यकता की बात है, उसको होगी मेरी, अबे फिट कर देता हूँ। आवश्यकता की बात है, आपने मुझे याद किया हुजूर? याद नहीं किया, मैंने तुम्हें बुलवाया था सिर्फ 40 मिनट पहले। पर मैं तो अभी आया साहब। अभी आया मत कहो, कहो मैं 40 मिनट लेट आया। आवश्यकता की बात थी, सुबह सुबह किसी से मिलना था। 10:30 से 6:30 का जो वक्त है उसकी तुम्हें ये दफ्तर तनख्वाह देता है। पर्सनल काम उससे पहले या उसके बाद क्या करो? बात आवश्यकता की थी, साली सुबह सुबह ही अनमरी, इंसान क्या करे। बोलिए मिस्टर संपत, ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। देखिए साहब, आप मुझे बुलाना बंद कर दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, वरना हम तो वो आदमी हैं जिसकी खामोशी भी बिकती है। तुम कैसे आदमी हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। जी कुछ साल भर पहले तुम पर एक फोर्जरी का केस हुआ था ना? तुम्हारे इनकार करने से मेरी तसल्ली नहीं होगी, मैं तुम्हारे बारे में खुद पता कर सकता हूं। जी, वो मैं ये फोर्जरी, धोखेबाजी, जालसाजी क्यों की थी तुमने? वेरी सिंपल सर, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। सो मेरी बीवी बीमार थी और मेरे पास पैसे थे नहीं, एक दोस्त के दस्तखत याद थे,
उसकी चेक बुक से एक चेक चुरा लिया और बैंक से पैसे निकाल लिए। सजा कितनी हुई थी? सजा नहीं हुई थी सर, मैं जेल नहीं गया था, मैंने दोस्त से माफी मांग ली, उसने माफ कर दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे इतना ही मालूम करना था। आवश्यकता की बात है, मालूम करके वे क्या बिगाड़। संपत, मुझे चैलेंज मत करो। एक तो गुनाह करते हो, ऊपर से शराफत दिखाते हो, अपनी भूल, अपनी गलती, अपनी जलालत का एहसास तक नहीं करते, जैसे तुमने कुछ क्या ही ना हो। सर, आवश्यकता चीज ही ऐसी है, वक्त आने पर बड़े बड़ों को जुर्म की जंजीरों में जकड़ जाना पड़ता है। नो डिस्कशन, नाउ गेट आउट। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ रास्ते पे क्यों रखी है? कोई चीज ठिकाने पे नहीं रख सकते तुम लोग? ये क्या कर रही है? डॉक्टर साहब के यहाँ पार्टी है ना, वहीं जाने की तैयारी कर रही। आज के लिए तो दावत देने आए थे उस दिन। नहीं भाई, कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना है। प्लीज ऐसे मत करना, इतने प्यार से बुला के गए हैं, और फिर तुम्हारी बीमारी के वक्त कितनी मदद की थी उन्होंने हमारी। और डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा बाबा, भाषण भाषण मत करो, चलेंगे ये पार्टी में। चलो, अगर पार्टी में चलना है तो तैयार हो जाओ। चांद है घटा है इश्क, दर्द है जख्म है वफा है इश्क, क्या हकीकत बताएं इसकी तुम्हें, सच अगर पूछो तो खुदा है इश्क। तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। Oh,
कहानी है, घर आकर सब कुछ बताऊंगी, बहुत सारी बातें करनी है, अभी चलते हैं, चलते हैं, अच्छा बाय। अरे भाई कैसी लगी तुम्हें कमल की गजल? डॉक्टर से बहुत अच्छा गाता है। शोभा, रात भर यही ठहरने का इरादा है? कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, चलो। हाँ, चलिए। अच्छा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ओके, नमस्ते। नमस्ते। शोभा रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बात सुनना जितना जरूरी है, बोलते वक्त मेरी तरफ देखना भी उतनी ही जरूरी है। इतनी बेशर्म कब से हो गई हो तुम? जरा सी शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ हाँ, शर्म तुम्हें आनी चाहिए अपने आप पर। मुझे आ रही है, तुम पर भी, खुद पर भी। ये क्या कह रहे हो तुम? शर्म किस बात की? मैंने क्या किया? भरी महफिल में जिन भावनाओं की नुमाइश की तुम, जो अंदाज दिखाए, जो अदाएं दिखाई, वो सब किसी पत्नी को शोभा नहीं देता, किसी घरेलू औरत को भी शोभा नहीं देता। मेरे खानदान की इज्जत और मेरा नाम, ये दो गहने पहनकर तुम्हें कीचड़ में कूदने का कोई हक नहीं है। क्या कैसी बातें कर रहे हो? ये सब गलत समझ रहे हो तुम। शोभा, 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 घर की चार दीवारों में बसने वाली किसी भी औरत को खुलेआम सड़क छाप औरतों जैसे बर्ताव की इजाजत मैं कभी नहीं दे सकता। इज्जत और शराफत की रेखाएं अगर तुमने पार की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोभा, शोभा, क्या हो गया तुम्हें? शोभा, किसी चीज में नमक कम है तो किसी में मसाला ज्यादा। आलू गोभी सोच कर खाता हूं तो मटन मुंह में आते हैं, मूंग की दाल में काली दाल के छिलके मिले हुए हैं। इन लोगों को खाना खाने बुलाया या घास खाने को? ये कोई कपड़ा है? ना कपड़ा काम का, ना रंग ढंग का। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि कौन सा रंग मुझे सूट करता है? ये दुनिया इस
इसी तरह कब तक चलेगी, कब तक चलेगी ये दुनिया, इसी तरह कब तक चलेगी, हर एक जुल्म औरत ही कब तक सहेगी। ये औरत हमेशा ही आंसू पिएगी, आंसू पिएगी, जलेगी घरों में तो औरत जलेगी। ये क्यों मोम जैसे पिघलती रही है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। जिसने भी बात सच्ची कही है, अच्छी कही है। हेलो, मैं संपत बोल रहा हूँ। क्या है? आवश्यकता की बात है, आपसे मिलकर बात करना बहुत आवश्यक है, अभी इसी वक्त। नहीं, इस वक्त कैसे हो सकता है? देखिए शोभा जी, आप हमसे नहीं नहीं कहना तो बंद ही कर दीजिए। वैसे मैं आपका उसी जगह इंतजार कर रहा हूँ। आप आएंगे, आपको आना पड़ेगा। कौन था? वो मेरी एक सहेली। कौन सी सहेली? माधवी। ये क्या है? नोटिस? ओह माय गॉड, जिस बात कर रहा था। ए गांगुली बाबा, ये क्या है? ये दफ्तर के लिए आवश्यकता की बात है। संपत बाबू, तुम्हारी नौकरी गई, नए मैनेजर को तुम्हारा चेहरा है ना पसंद नहीं आया। गांगुली, मेरा चेहरा तो बदल नहीं सकता, पर मैं इसका दिमाग जरूर बदल दूंगा। संपत बाबू, चपरासी को ऑर्डर मिला है, तुम मैनेजर के केबिन में नहीं जाना सकता। ये दफ्तर का मैनेजर है, मालिक नहीं है। मैं अंदर जाए बगैर नहीं मानूंगा गांगुली। और चपरासी तुमको अंदर जाने के लिए नहीं मानेगा। गांगुली, मुन्ना, तू तेल देख तेल की धार दे, ये मेरी आवश्यकता का सवाल है। मैं चपरासी को धक्का देकर अंदर आया हूँ। क्यों? ये कहने के लिए कि आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आवश्यकता की बात है आपकी, वो मेरा मतलब है आपको मेरी आवश्यकता पड़ सकती है, अभी ना सही कभी ना कभी। संपत, तुम इस दफ्तर से निकाल दिए गए हो। तुम अपने कैशियर के पास जाओ, नोटिस की तनख्वाह लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। राकेश बाबू, जो बात वक्त के कब्रिस्तान में दफन होकर अपना वजन खो चुकी है, उसकी सजा मुझे आज क्यों मिल रही है? मिस्टर संपत, आई डोंट हैव टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशंस। फिर भी अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, यहाँ लाखों का कारोबार होता है और तुम फोजरी कर चुके हो। कल को अगर मालिक के सिग्नेचर फोर्ज करके तुम कुछ करो तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। मैनेजर साहब, गड़े मुर्दे उखाड़कर मुझसे मेरी रोजी मत छीनिए, अपने उसूलों के लिए मुझे सदके का बकरा। निकल जाओ यहाँ से। I said get out। मिस्टर राकेश, वक्त के कब्रिस्तान में और भी बहुत कुछ गड़ा हुआ है, खोदने पर हो सकता है कुछ ना कुछ निकलेगा। You get out of here। क्या इरादा है? हमारी दोस्त की जान नहीं, सड़क पे जान देने का फैसला कर रही है क्या? अच्छा, वो तुम आगे नहीं तो कुछ हो ही जाता।
अरे ऐसे कैसे मरने देंगे? जब हम मौजूद हैं हम आपको इस तरह मरने नहीं देंगे। हाँ लेकिन एक शर्त है, जब हम मरेंगे तब आपको वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। ऐसा ना करो। अरे तुम तो सीरियस हो गई, चलो चलो। अरे क्या हुआ राकेश, आप आजकल देर हो रही है। दिन में तुम बाहर गई थी? नहीं तो? तुम जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तो फिर झूठ क्यों बोलती हो? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी मक्कार औरत। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, सड़क पर, हाथों में हाथ, चहल कदमी, यार के साथ। वो तुम, मैं ऐसे... हाँ बोलो बोलो, ये सब झूठ है। तुमने तो घर के बाहर कदम ही नहीं रखा। और वो मेरा बचपन का दोस्त, आस्तीन का सांप। मैंने तुम्हें हजार बार कहा है कि मैं इस खानदान की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा, मगर तुम बाज नहीं आए। तुमने तो पत्नी जैसा पवित्र लिबास पहनकर अपने आप को बेचा है। जी चाहता है तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़कर तुम्हें किसी ऐसे चौराहे पर फेंक दूं जहां से हर गुजरने वाला मर्द तुम पर थूके। कमीनी औरत, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पोजिशन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ रहा। राकेश आओ आओ, आस्तीन के सांप आओ। नाश्ता यहाँ, खाना यहाँ, और फिर हवाला भी यहीं का। बदबख्त, कोई और घर नहीं मिला तुम्हें। मेरे दोस्त होकर तुमने मेरी जिंदगी के उस सरमाए पर डाका डाला जिसके 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 छिन जाने से इंसान भिखारी नहीं होता है, नंगा हो जाता है। किस किस्म का खून है तेरे रगों में हरामजादे, अपने दोस्त की बीवी के साथ? राकेश दूर हट जा नागन, मैं आज इस सपोरे को कुचल कर रख दूंगा। नहीं राकेश, देखो तुम मुझे जितना मारना चाहो मारो, लेकिन लेकिन मेरी बहन पर हाथ उठा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन, ये बहन का नाटक क्या है? प्लीज जरा जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दो, इसकी तबीयत बहुत खराब है। कमल ने तुम्हें बताने से मना किया लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है, किसी भी वक्त इसकी जान जा सकती है। क्या? चलो ना जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। यहाँ ले जाओ। हेलो डॉक्टर सेना प्लीज। मैं कोई अंतर्यामी तो हूं ही नहीं। अगर कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी क्या है, रिश्ता क्या है? बेकार उस बीमार दोस्त पर मेरा हाथ उठ गया। तुम्हें उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कह गया मैं। अनजाने में होने वाली बात को जुर्म नहीं करार दिया जा सकता, मगर फिर भी मैं तुम दोनों का मुजरिम हूं। गलत फहमी हो गई थी। अरे मुझे बताना तो चाहिए था, अंडा ऐसा नहीं होने चाहिए। उसके पास वक्त बहुत कम है, हम दोनों को बुला रहा है। चलो
बड़े भाई, मेरी दोस्त कम भाभी कम खैर ख्वा, तुम दोनों के आने की खुशबू आ गई थी मुझे। दोस्त, यही वो हाथ है ना जिससे तुमने मुझे, जब सच कहूं उस मार में भी बहुत प्यार था। वाकई दोस्त, एक चीज याद रखना, मैं जिंदा भी तेरे बचपन का दोस्त भाई था, मरते मरते भी वही रहूंगा। मैं जानता हूं कमल, मुझे माफ कर दे दोस्त, बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी। दोस्त, तू तो जानता है मेरी बहन, मेरी भाभी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। देख दोस्त, मेरी इस गुड़िया जैसी बहन को सताना नहीं, क्योंकि अब हंसाने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। शोभा, देख, याद से मेरे दोस्त को भजिए जरूर खिलाना, कम से कम खाते खाते मुझे याद कर लेगा ना। हाँ। अरे शोभा, नहीं 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 शोभा, तुम रोना नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हंसी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं मरने के बाद बसूंगा कहाँ। तुम दोनों के होंठों पर हंसी बंद कर ही तो जीना है मुझे। कमल, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, कमल अब क्या करूं, वक्त और पेट दोनों प्रॉब्लम बन गई मेरे लिए, इसलिए मुझे नौकरी करनी चाहिए। अपने पति से भी कहना अगर मेरे लिए कुछ कर सके तो। कर सके मतलब करना पड़ेगा, अपने बचपन की सहेली के लिए इतना भी नहीं कर पाई तो क्या फायदा। हो सकता आ गए, अब खुद ही बात कर लो। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तुम अपने उस पति को ये नहीं समझा सकी कि मेरी आवश्यकता क्या है। तुम्हारे उस आदर्शवादी पति ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, अब मेरी आवश्यकता ये है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर तुम मुझे नौकरी पे वापस रखवाओगी, वरना। सब चला दूंगा। नहीं, मैं ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैं कुछ करती हूँ। कुछ नहीं, सब कुछ करना है तुम्हें, और वो भी अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। शोभा, मेरी मेरी एक सहेली बैठी, तुम जाओ, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। जाओ, प्लीज जाओ। मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, बता देता हूँ, सारी गृहस्थी जला दूंगा वरना।
शोभा, मैं चलती हूँ। शोभा, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पति तो अभी तक आए नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ रुके होंगे। खैर, तुम कल जरूर आ जाना, कल तो मुलाकात हो ही जाएगी। ओके। ओके, चलती हूँ। बाय बाय। संपत, तुम वहाँ शोभा के घर पे तुम्हें देखा तो सोचा इंतजार कर लूँ तुम्हारा। मगर तुम वहाँ? वहाँ दरवाजे पर मैं ही था। ओह, वो आवश्यकता की बात थी। उनके पति ने नौकरी से निकाल दिया है मुझे, तो उनसे यही कहने आया था, पत्नी अगर चाहे तो शायद पति मान जाए। छोड़ो ना इस बात को, तुम कहाँ थी इतने साल, इस घर से क्या संबंध है तुम्हारा। चलो ना, कहीं बैठ के बातें करते हैं। आओ। शोभा, शोभा। आ रही हूँ। क्या हुआ? अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कौन आया था? कौन आया था? मैं जानता हूँ कौन आया था। कौन आया था? संपत, यहाँ थोड़ी देर पहले संपत आया था ना। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने अभी उसे यहाँ से जाते हुए देखा। मुझे मालूम है क्यों आया था। तुम्हें मालूम है? हाँ, वो तुमसे ये कहने आया था कि तुम मुझसे उसकी सिफारिश करके उसकी नौकरी वापस दिलवा दो। हाँ, यही तो कह रहा था वो। उसकी नौकरी? सुनो, उसकी नौकरी उसे वापस क्यों नहीं दे देते? क्या, जिस इंसान पर फौजरी का केस चल चुका है, जो क्रिमिनल है, उसको निकाल कर मैं वापस रख लूं? छह, इम्पॉसिबल। इस विषय पर बात भी नहीं करना मुझसे। अगर वो क्रिमिनल है तो उसे रखना जितना खतरनाक है, निकालना भी तो उतना ही खतरनाक है। वो यहाँ आकर हमें कुछ नुकसान भी तो पहुँचा सकता है। अरे नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती उसकी। यहाँ आएगा तो धक्के मार के निकाल देना उसको, और अगर ज्यादा कुछ करेगा तो मैं उसे लॉकअप में बंद करवा दूंगा। खुशी है इस बात की कि तुमने मेरा कहा तो माना। तुम्हारे उस कहने को हुक्म समझ कर मान लिया था मैंने। आजकल इसी शहर में रहती हूँ। अब रहूंगी, नौकरी और रहने की जगह दोनों की तलाश है। जानता नहीं हूँ, इसलिए पूछना आवश्यक है। क्या, शादी कर ली तुमने? मन से की थी तो न हुई, तन से करने का भी मन नहीं हुआ। चलती, देर हो रही। फिर कब मिलोगी माधवी? इंतजार तुमने नहीं किया, इकरार मैं नहीं कर सकती। आज तुम्हारे वो सोलिसिटर साहब का फोन आया था। क्या कहा? कह रहे थे जब से तुमने वकालत छोड़ी उनसे मिले नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको बहुत याद कर रहे थे और कह भी रहे थे कि आपसे मिलना है। मैंने कब कहा ऐसा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन कई बार इस तरह से बात करनी पड़ती है ना। क्यों करनी पड़ती है शोभा? तुम जानती हो मुझे ये फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये बताना भूल गई, ये चिट्ठी है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड? ये तो मेरे नाम की है, तुमने ले ली? हाँ, और पोस्टमैन ने तुम्हारी दस्तखत भी करवाए होंगे। शोभा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी अकल पे पर्दे क्यों पड़ गए? तुम जानती हो क्या है? क्या है? ये कोर्ट का समन्स है कानपुर से, गवाही देने का। इसका मतलब दो बार महीने में मुझे कानपुर जाना पड़ेगा। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। गैर जिम्मेदारी और गलती क्यों और कब नहीं होती है? ये क्या है? ये वो तुम्हारे ऑफिस से हेड क्लर्क आया था। क्यों? उसके बच्चे का जन्मदिन है, मिठाई दी गई। और तुमने ले ली? ये वो प्यार से देके गया। प्यार से देके गया ना, प्यार से जहर देगा तुम पी लोगी। ये जहर है प्रेजन की शक्ल में, ये रिश्वत है। मैं जाके इसको वापस दे दूंगा।
ताला कैसे तोड़ा? अपने सर से। कहाँ चली गई थी तुम? एक घंटे से मैं बाहर तड़प रहा था, मजबूर है मुझे ताला तोड़ना पड़ा। टाइम की कोई वैल्यू नहीं तुम्हें? वो बाजार में थोड़ी देर होगी, लेकिन ताला क्यों तोड़ा तुमने? इसलिए कि मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। जाओ अंदर से अमृत धरा और पानी ले आओ। वो तो मैंने पड़ोस में भाभी को दे दी, उनके बच्चे की 3 दिन से तबीयत खराब थी ना। शोभा क्या हो गया है तुम्हें? सड़क पे बहुत से भिखारी घूमते हैं, किसी को चूल्हा दे दो, किसी को बर्तन दे दो, सारा घर खाली कर दो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके दुकान से एक और बोतल लाओ ना, जल्दी से। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? आप जाने को कहेंगे ये सोच कर ही आया हूं। अगर क्या करूं साहब, आवश्यकता की बात है, मुझे आपसे कुछ कहना है। ना मुझे कुछ सुनना है ना कहना है, तुम यहां से निकल जाओ। अजी यहां से क्या, जहान से ही जाना है, इस दुनिया से ही जाना है सबको एक दिन। मगर बड़े साहब, मेरी कल की कालिक को मेरे आज पर थोप के अपना नाम काला मत कीजिए। आज मैं खुद आया हूँ, मुझे नौकरी पर वापस रख लीजिए। देखिए आवश्यकता की बात है, वरना ऐसा ना हो कल को आप मजबूर हो जाएं। What do you mean? एक सवाल पूछूं साहब, आपके इस ऑफिस में मैंने कौन सी गलती की, कौन सी भूल की, मेरा कसूर क्या है? इस दफ्तर में मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, और फिर भी आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे आप अपने आप को समझते क्या? मुझे किस बिना पे आप निकाल सकते हैं? बोलो बोलो ना। अरे मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं चुप नहीं बैठूंगा साहब, मैं आपको बोल देता हूँ। कमबख्त मुझे धमकी देता है, चल निकल यहाँ साहब। ये हाथा पाई ठीक है साहब, आपको बोल देता हूँ। अबे ओ मैनेजर, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। अरे साला मैनेजर का चमचो। अरे ओ राजा हरिश्चंद्र की औलाद, तेरे और तेरे असूल बड़े महंगे पड़ेंगे। अबे जा, ये धमकी किसी और को देना, और अगर मेरे घर के आसपास कभी नजर आया तो मैं तुझे लॉकअप में बंद करवा दूंगा। क्या बात है, रास्ता क्यों रोका है? तुम क्या करें जनाब, आवश्यकता की बात है। अब गुंडागर्दी पर उतर आए हो? घर में तक कुत्ता भी शेर होता है, जैसे कि आप ऑफिस में, वहां के आप मैनेजर हैं, आपकी एक आवाज पर बाबू हमीद दफ्तर के तमाम मुलाजिम आ जाते हैं, मगर यहां आप अकेले हैं। यहां मैं हूं और मेरे ये दोस्त, इसलिए आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। क्या बात है? वही पुरानी बात, नंबर एक, आप मुझे नौकरी पर वापस लीजिए, वरना मेरा नंबर एक का दोस्त कुछ कर देगा, बहुत डेंजरस है। नंबर दो, आप मुझे एक्सपोर्ट सेक्शन का हेड बना दीजिए। मेरा नंबर दो का दोस्त तो बहुत डेंजरस है, आपको नहीं लगता? अब भी लगेगा। नंबर तीन, आप मेरी पगार बढ़ाकर 800 से 1000 रुपए कर दो, वरना मेरा नंबर तीन का दोस्त तो महा खतरनाक है। मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, समझे? ना ना ना, ऐसा बचपना मत करना, वरना इस शहर की आबादी में से 2 लोग कम हो जाएंगे। राकेश बाबू, अगर मैं चाहूं तो मैं भी आपको उतना ही जलील कर सकता हूं जितना कि आपने मुझे ऑफिस में किया। मैं आपको उतना जलील नहीं करूंगा, मैं आपको एक मौका और देता हूं, जाओ हटावे। चाहिए सर, अपने उसूलों के लिए किसी की जिंदगी मत खराब करो। अरे राजा हरिश्चंद्र का रथ ले बे। राकेश, अगर मैं संपत की जगह होता तो खाली धमकी देकर नहीं छोड़ता, तुम्हें जान से मार डालता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं,
किसी से लिया हुआ कर्ज 3 साल बाद कर्ज नहीं रहता। कानून से भागे हुए कातिल को भी 7 साल बाद पुलिस तलाश करना बंद कर देती है, और तुम फोर्जरी जैसे मामूली जुर्म को 4 साल बीत जाने का माफ नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के जुर्म सजा नहीं मिलने पर आदत बन जाती है, माई फुट बन जाते हैं। बैठो राकेश। वाल्मीकि चोर था, डाकू था, कातिल था, मौका मिलने पर जब सुधार हुआ तो ऋषि बना कि नहीं? देखो राकेश, जो सिक्का दोनों तरफ से एक जैसा होता है वो खोटा होता है, खरा सिक्का वो होता है जो दोनों तरफ से अलग अलग हो। इसी तरह आदमी भी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, अच्छाई और बुराई का मिलावट होता है। इसलिए हर इंडिविजुअल की तरफ समाज का फर्ज है कि उसके अंदर अच्छाई को उभरने का मौका दे, ताकि वो अच्छाई उस बुराई को दबा सके। तुम्हें भी संपत को एक मौका और देना चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता सर, आप जो चाहें कह ले। नीम के पेड़ पर आम जैसा मीठा फल कभी नहीं लग सकता। पेड़ में और इंसान में कुछ फर्क तो होगा राकेश। पेड़ों में एक पेड़ बड़ का पेड़ भी होता है सर, जिस पर कोई भी किस्म के तूफान का कोई असर नहीं होता। उसी तरह इंसानों में असूलों वाला इंसान होता है, जिस पर हालात के तूफान का कोई असर नहीं होता। उसके ईमान, उसका उसूल किसी भी हालत में डगमगाते नहीं। ठोकर हालात से लगेगी या नसीब से, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब लगेगी मुंह के बल गिरोगे। उस वक्त उठाने आएंगे ना उसूल और ना ईमान, उठाने आएगा कोई गिरा हुआ बेईमान बुरा इखलाक वाला इंसान। उस वक्त उसके सहारे को इनकार करना नामुमकिन होगा। मैं वहीं गिरे गिरे मर जाना पसंद करूंगा, मगर ऐसे इंसान का सहारा कबूल नहीं करूंगा। वो भी क्या दिन थे ना, ना किसी का इंतजार, न कहीं पहुंचने की जल्दी, बस हंसी मजाक खेल कूद में सारा दिन निकल जाता था। हाँ, मैं भी नहीं भूल सकती वो दिन। खैर, तुम्हारे पति ठीक टाइम पे तो आ जाएंगे ना? घड़ियां स्लो या फास्ट हो सकती हैं, लेकिन मेरे पति के आने में मजाले एक सेकंड इधर से उधर हो जाए। एक सेकंड। हेलो, मैं संपत बोल रहा हूँ। तुम्हारा वो जलील पति अपने आप को समझता क्या है? दफ्तर के सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके निकालने से वो बच जाएगा? कभी नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी जिंदगी में इतनी कालिक पोत दूंगा कि वो जिंदगी भर धोता रहेगा, मगर उजाला एक दिन भी नहीं होगा। आवश्यकता की बात है शोभा जी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम दोनों को तबाह करके रख दूंगा। नहीं नहीं संपत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ना करूं? अगर वो मुझे दफ्तर में धक्के देकर निकाल सकता है, तो मेरे पास जो हथियार है मैं उसका इस्तेमाल क्यों ना करूं? नहीं संपत, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तमाम दफ्तर के लोगों के सामने वो मुझसे माफी मांगे, और दूसरी, मेरी नौकरी को अपनी आवश्यकता समझकर मुझे मेरी नौकरी वापस दे। संपत, संपत, संपत। शोभा, क्या हुआ शोभा? क्या करूं मारती, मेरा सब कुछ लूट गया। वो सब कुछ बता देगा मेरे बारे में। कौन बता देगा, क्या बता देगा, कुछ मुझे भी तो बताओ प्लीज। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये राज मेरे सीने में कैसा बोझ बने हुए हैं, जिससे ना छुपाई बनता है ना मिटाई बनता है। मैं दिन ब दिन घुट घुट के मर रही हूँ। शोभा प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? अपने आप को संभालो शोभा, बात क्या है कुछ मुझे भी तो बताओ। कुछ साल पहले राकेश बहुत बीमार हो गए थे, वो दर्द से तड़प रहे थे। आ, 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 आ,
डॉक्टर, पहले मैंने डॉक्टर वर्मा को बताया तो उन्होंने कहा कि लिवर पेन है। फिर मैंने डॉक्टर बैनर्जी को दिखाया तो बोले अपेंडिक्स है। इस तरह देर होती चली गई और मैं समझता हूँ कि अंदर सेप्टिक हो गया है। यस, यू नो इट्स अ केस ऑफ इंटेस्टाइनल रप्चर, अंतड़ियां टूट गई है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। यस आई एग्री, इनका ऑपरेशन जल्दी होना चाहिए, मगर यह ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा। फॉर सेफ्टी वेलोर से डॉक्टर सुब्रमण्यम को बुला लीजिए, कोई खतरे की बात नहीं होगी। डॉक्टर मेहता ठीक कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन होना जरूरी है। शोभा, राकेश की तबीयत वाकई बहुत खराब है, देर बहुत हो चुकी है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और जो डॉक्टर बेलूर से आएगा ऑपरेशन के लिए वो 12,000 रुपए लेगा, हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों का खर्च, मैं समझता हूँ समय लगे कम से कम 20,000 रुपए खर्च हो जाएगा, उससे कम नहीं, लेकिन राकेश की जान बचाएगी। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे का बंदोबस्त कर लूँ। वहां से आइए। क्यों, तुम्हारे पिता तो बहुत पैसे वाले थे ना? वही तो बता रही हूँ, ये शादी मैंने पिताजी की मर्जी के खिलाफ की थी, इसलिए मैं वहां तो नहीं जा सकती थी। फिर किसी ने बताया कि संपत्ति एक अच्छा फाइनेंस ब्रोकर है, बस वैसे भी उसी के पास पहुंच गई। पैसे आपको मिल जाएंगे, ये आपकी आवश्यकता की बात है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? आपके पिताजी, आपके पैसे वाले पिताजी, देखिए ना, जब आपको वो पैसे देने को तैयार नहीं है शोभा जी, तो कोई बाहर का क्यों देगा? अब मेरा मतलब है शोभा जी, कोई गारंटी वारंटी तो होनी चाहिए ना, कोई सोना कोई जेवरात है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। तब तो एक ही रास्ता है शोभा जी, आपके पिता के साइन चाहिए होंगे प्रनोट पर एज ए गारंटर। हाँ ये मैं ला सकती हूँ। हाँ तो फिर सिंपल, फिर आपका काम हो जाएगा। वन मिनट। हाँ, इस नोट पे यहाँ पर आपके फादर के सिग्नेचर चाहिए एज ए गारंटर, आई गारंटी रिपेमेंट, यहाँ पे आपके सिग्नेचर चाहिए ऑथोराइज सिग्नेचर। एक डॉक्यूमेंट और है शोभा जी, वो मैं बाद में तैयार कर लूंगा, फर्स्ट यू गेट योर फादर सिग्नेचर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे कब मिल जाएंगे? शोभा जी इधर आप ये पेपर दें, उधर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मेरी पार्टियां मेरे पास ही पैसा रखती हैं। ओके, अच्छा मैं अभी आती हूँ। वो आपके फादर के साइन जी, नमस्ते। अच्छा जी, ऐसी बातें करती हूँ माँ, डैडी अभी तक जिंदा हैं। अरे तुम्हारी जैसी औलाद होगी तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उनकी बीमारी का बीज तो तुमने बोया है। मेरा सुहाग भी मौत के बिस्तर पर है माँ, और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम उनकी सलामती के लिए दुआ तो मांग सकती हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि डैडी जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। अरे बंद करिए नाटक और दफा हो जाए यहाँ से, मुझे क्या कोई मरे या जिए। माँ क्या कह रही हो तुम, अब जाती है यहाँ से या धक्के मार कर निकलाऊं घर से? निकल। बड़ी आई,
दुआ मांगने वाली। संपत आइए आइए, अजी आइए तो तशरीफ रखिए। ये रहा प्रोनोट, ये मेरे सिग्नेचर और ये मेरे फादर के। अब आप जल्दी से मुझे वो 20,000 रुपए दे दीजिए, मेरे पति जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर में पड़े हैं। शोभा जी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर चाहिए, ये एक और चाहिए जी। कहाँ? यहाँ पर। I don't mind, this is business practice. Normal understanding है कारोबार की। अब भगवान करे आपके पति अच्छे हो जाएं जी। हाँ, ये लीजिए, गिन लीजिए। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है। अच्छा अच्छा जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। अच्छा सुबह तुम आ गई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। ये लीजिए पूरे 20,000 है, आप कैसे भी करके राकेश को बचा लेंगे ना? चिंता मत करो शोभा, सब ठीक हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बैठिए बैठिए। शोभा जी, आपने मुझे क्या समझ रखा है, गधा या के बेवकूफ? क्यों, कि क्या मतलब? शोभा जी, आपने 420 की है और वो भी संपत मेहता के साथ में। मैंने क्या किया? हाँ जी, आपने क्या किया है शोभा जी? कहाँ है भाई? अरे तो उल्टा हो गया। शोभा जी, ये किसके साइन है? डैडी के। हाँ, आपके डैडी। जाली साइन करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती? आपने ये प्रनोट 10 तारीख को साइन किया था और आपके डैडी 9 तारीख को 9 बजे मर गए थे। तो आप अपने डैडी के साइन लेने के लिए ये प्रनोट लेकर आसमान में गई थी। देखो संपत, झूठी मक्कार। अरे वो तो शुक्र कीजिए मैंने हॉस्पिटल में सबके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपके पति की जान खतरे में थी।
संपत्ति में एक एक पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस लौटा दूंगी। अजी लौटाना तो पड़ेगा ब्याज के साथ, और वो भी मेरे हिसाब से। मुझे सब मंजूर है। मंजूर क्यों ना होगा, ये खास पेपर जो है मेरे पास, आपके जाली दस्तखत वाला। वो दिन है और आज का दिन है। राकेश तो अच्छा हो गया, लेकिन मैं इस दलदल से आज तक नहीं निकल सकी। संपत का कर्ज चुकाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। रातों को टाइपिंग का काम किया, दिन में लोगों के कपड़े सिए, बच्चों को वक्त बेवक्त ट्यूशन देनी पड़ी, घर के खर्च में से चोरी की, कुछ जमा करके उसे देती रही। ये सब कुछ राकेश से छुपा कर रखने के लिए न जाने कितने झूठ बोले होंगे, कितनी बार डांट खाई होगी। 20,000 तो कब के पूरे हो गए, लेकिन उसका दिल भरता ही नहीं। शोभा, ये सब कुछ तुमने राकेश को बताया क्यों नहीं? आखिर ये सब कुछ तुमने उसके जान बचाने के लिए तो किया, उसे तो पूजा करनी चाहिए तुम्हारी। यही तो रोना है माधवी, तुम राकेश को नहीं जानती। जब उसे पता चलेगा तो वो यही कहकर मुझे घर से निकाल देगा कि फोर्जरी के पैसे के इलाज से तो अच्छा था उसे मर जाने दिया होता। और फिर ऑपरेशन के कई दिन बाद तक राकेश बिस्तर पर ही था। जब बात दबी रही तो अब भी आज तक दबी ही रह गई। ये संपत्ति होगा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। कौन है आप, क्या चाहिए? आप शायद माधवी हैं? हाँ, मैं राकेश हूँ। ओह माय गॉड, माफ कीजिएगा, आप ही के घर में, मैं आप ही से पूछ रही हूँ आप कौन हैं। कोई बात नहीं, शोभा ने आपके बारे में जिक्र किया था, मैं आपकी नौकरी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। बैठिए बैठिए। आपने पहले कहीं काम किया है? मैंने कई दफ्तरों में अलग अलग किस्म के काम किए, पर्सनल सेक्रेटरी, स्टेनोटाइपिस्ट, सेल्स गर्ल वगैरह वगैरह। तजुर्बा भी है, तजुर्बे की काफी सर्टिफिकेट्स भी हैं। धर्म पत्नी के सिफारिश के बावजूद भी मैं ये तसल्ली करके ही आपको काम पे रखूंगा कि आप उस काम के लायक हैं या नहीं। अच्छी बात है। शोभा, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। बाय। नमस्ते। बाय। शोभा, वो संपत वाली नौकरी मैं इनको दे दूंगा। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। एक मिनट। ये पहले क्यों नहीं किया तुमने? सारा दिन करती क्या हो? नौकरी में जाती हो, कमा के लाती हो तुम? अब सुबह सुबह झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, जाओ देखो कौन आया। वन मिनट। माँ, तुम यहाँ? ये क्या हालत बना रखी है? बेटी। माँ, क्या हुआ? माँ आऊँ, बैठो। क्या बात है? क्या हुआ माँ? क्या बताऊँ बेटी, जब से तेरे पिताजी परलोक से धर गए, मेरे पर चारों तरफ से मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। मुझे तो उनके बिजनेस की कोई समझ नहीं थी। इन चार बरस में धन दौलत जायदाद बंगले सब कुछ चला गया, और मैं भिखारन हो गई। मैं भिखारन हो गई। सब ठीक हो जाएगा ना बेटी? मैंने तुझे घर से निकाल दिया था ना, मुझे शायद ये उसी की सजा मिल रही है। बेटी मुझे माफ कर। कैसी बातें कर रही हूँ माँ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। शोभा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो यहाँ क्यों आई है? राकेश, माँ बहुत मुसीबत में है। तो मैं क्या करूँ? वो मेरी माँ है। तुम ऐसी कमीनी औरत को अब भी माँ कहती हो?
जिसने तुम्हारे पति को नालायक और नकारा का मेरी शक्ल तक देखने से इनकार किया। भूल गई तुम्हें किस बेरहमी से घर से निकाला था। ऐसी औरत को सहारा देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। राकेश, मेरे सिवाय उसका दुनिया में कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी बेचारी? क्यों? जिस धन दौलत का गमन था उस दौलत से पूछे कहाँ जाए। खानदान खानदान चिल्लाया करती थी, उस अकड़ से पूछे कहाँ जाए। शोभा उससे कहो कि किसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगे या किसी विधवा आश्रम में चली जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं रहेगी। क्यों, ये घर सिर्फ तुम्हारा ही है क्या? मेरा यहाँ कोई हक नहीं है? तुम्हारी ये एक तरफा हुकूमत कब तक चलती रहेगी? मेरी जगह कोई दूसरी औरत होती ना तो एक दिन भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये मेरी माँ है और ये यही रहेगी मेरे साथ इसी घर में। शोभा 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 बस हो गया ना कलेजा ठंडा तुम्हारा, हो गई ना तुम्हारी जीत। बेचारी औरत है, पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरे खाते फिरेगी। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। क्या? हाँ, जानवर हो। ये दुनिया इसी तरह कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? ये दुनिया इसी तरह कब तक चलेगी, हर एक जुल्म औरत ही कब तक सहेगी? ये औरत हमेशा ही आंसू पिएगी, आंसू पिएगी। जलेगी घरों में तो औरत जलेगी। ये क्यों मां जैसे पिघलती रही है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। कही जिसने भी बात सच्ची कही है, अच्छी कही है। हेलो, सुनो, अगर 20 मिनट के अंदर अंदर तुम मेरे घर पे नहीं आई तो मैं तुम्हारे जाली दस्तखत वाला प्रोनोट लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। संपत शोभा, वो टेबल पर मेरे बच्चों के हॉस्टल का बिल है, 2,500 रुपए का है। आज लास्ट डेट है, वो तुमको भरना है आज और अभी। तुम्हारे खर्चों की जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं अभी जरूरत से ज्यादा पैसे दे चुकी हूँ तुम्हें। अरे तुम्हारे पास उनकी रसीदें हैं क्या? रसीदें? मैंने तुम पे भरोसा किया, ये मेरी शराफत थी। हाँ ठीक है, चलो अभी थोड़ी शराफत और दिखाओ, 2,500 रुपए का बिल दे दो वरना ये डॉक्यूमेंट। जिस कपड़े को पानी की उम्मीद रखे निचोड़ रहे हो उसमें कुछ नहीं है, बाकी एक बूंद भी नहीं है। अरे एक बूंद है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, तुम फौरन पैसे दे दो वरना मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। संपत्ति ऐसा मत करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान के लिए सच कहती हूँ, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। घर बर्बाद होता तो हो, अब जो होगा खुले आसमान के नीचे होगा। जब तुम पे मुकदमा चलेगा ना फिर सारी शराफत निकलेगी। मैं पुलिस को लाऊंगा, पुलिस को लेके आऊंगा। तेरे घर नहीं कर सकते, कैसी औरत है तू? अरे मैं क्यों नहीं करूँ ऐसा? अरे तू हट तो, तेरे हरामजादा घर वाले ने मुझ पर तरस किया था क्या? पुलिस? क्या मिस्टर राकेश चंद सक्सेना आप ही हैं? जी हाँ, बोलिए। कि कुछ बात नहीं है हुजूर, आवश्यकता की बात है। आपकी धर्म पत्नी के नाम गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन जुर्म क्या है? वो तो अदालत में ही पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब आप कार्रवाई शुरू कीजिए। ये रही शोभा जी। कैसी है शोभा जी? आप दोनों चलिए हमारे साथ, चलिए आइए शोभा जी। वकील साहब, अब आप अपनी बीवी को जालसाजी के जुर्म से बचाइए। चलिए शोभा जी, आदर्शवादी पति की शरीफ पत्नी। मैंने कहा था ना पुलिस आएगी, मुकदमा चलेगा। ये भगवान, ये कैसे कैसे विचार आ रहे मेरे मन में। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं राकेश को सब कुछ बता दूंगी,
संपत के जंगल में से निकलने का यही एक रास्ता है। मैं राकेश को सब कुछ बता रहा हूँ। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जाली दस्तखत वाली सारी बात राकेश को बता सकूं, और राकेश को सहन करने की शक्ति देना, उसका गुस्सा उभरने मत देना। तू तो सब जानता है ना भगवान। ये मूर्ति कहाँ से लाए तुम? ये तो आज ही लाई। हमारे घर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी ना, इसलिए। ये पूजा पाठ कायरों और बुजदिलों के लिए होता है। भगवान की मूर्ति तो हर घर में होती है। मेरे घर में नहीं चाहिए। ये इंसान को कमजोर और नाकारा बना देती है। भगवान पर भरोसा करके इंसान अपने आप पर भरोसा खो बैठता है। ऐसी कैसे बात कर रहे हो तुम? इतने घमंडी हो गए हो क्या? क्या कहा? मैं घमंडी हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, इसका मतलब नहीं कि तुम मेरा अपमान करो। अपमान? ये धर्म, ये मंदिर, ये भगवान, ये सब ढकोसले हैं। आज के साइंटिफिक युग में इनका कोई मतलब नहीं। ये क्या कह रहे हो राकेश? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। मैं जो भी हूँ आज अपनी अकल के जोर पर हूँ। वरना कहो, अपनी नौकरानी से कहो कि मेरी कुर्सी संभाले, वरना अपने भगवान से पूछो कि वो उसके लिए इतना तो कर दे। शोभा, मेरा दिमाग जो है ना, ये मेरा भगवान है। ये ब्रीफ केस जो है ना, ये मेरा मंदिर है। और ये फाइल्स है ना, ये मेरी पूजा की मूर्तियां हैं। और ये पेन जो देख रही हो ना, ये मेरी पूजा की अगरबत्ती है। शोभा, मेहनत और कर्म ही की पूजा करनी चाहिए। लेकिन भगवान की भी तो पूजा की जाती है। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या कर सकता है तुम्हारा ये भगवान? घर में एक हफ्ते का राशन भर सकता है? शोभा, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम्हारा ये भगवान पीछे रह गया है। ना जाने कौन वो पागल था जिसने भगवान का नाम आविष्कार करके लोगों को अंधविश्वास के कुएं में धकेल दिया। लेकिन मैं ये चीज अपने घर में नहीं रखूंगा। राकेश, मैं इसे वापस ले जाता हूँ जहाँ से तुम लाई हो। नहीं नहीं, इसको मत ले जाओ। मत करो शोभा, प्लीज राकेश, ये भगवान की मूर्ति अपशगुन होगा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं ऐसी अंधविश्वास की बात अपने घर में नहीं रखूंगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो राकेश। अरे 320 नंबर का तंबाकू नहीं डाल, 420 नंबर का तंबाकू डाल। आज 420 की केस की गवाही देने की है। क्या समझा? अतरी ने, कतरी ने, गीली ने, सूखी अखी सुपारी डाल दे। अरे लाला जमुना दास, तुम तो अपने पनवा का नुस्खा रोजे बदलते रात हो, और कहाँ कहाँ थे? अरे उल्टी खोपड़ी, तेरी समझ में नहीं आएगा। बदलती दुनिया के बदलते रंग, कभी चरस ने कभी भंग। अरे समझा कि नहीं समझा? दिस इज दी फिलोसफी ऑफ लाइफ। उर्दू के अंदर बोलते इसको तब्दीली, अंग्रेजी में बोलते रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इज ए कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज ए क्रिएशन, क्रिएशन इज ए डिस्ट्रक्शन। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अरे बाबा, बात बोलने का ये है, चलो एक गाड़ी में न उतरो दूसरी गाड़ी से, कोई ना कोई जंक्शन आएगा, उधर फंक्शन मनाना, न जिंदगी बनाना। समझा कि नहीं? तू नहीं समझेगा उल्टी खोपड़ी के। हमेशा एक ही पान के अंदर डंडी घुमाता रहेगा, बस घुमा घुमा, पान बना जल्दी। एक बात ऐसी है, आज मटन खाओ कल मच्छी, आज बासी खाओ कल अच्छी, आज झूठी खाओ कल सच्ची, आज छर्रा पी तो कल विस्की, आज इसकी की तो कल उसकी, मगर पी पी और जी, समझे पंडित जी? दिस इज द लेटेस्ट फिलोसफी ऑफ 1985। हुए जरा डब्बा, अरे तू तो ऐसा भगा के ले जा रहा है जैसे कोई छोकरा छोकरी को भगा ले जाए। क्या बात है? बहुत गंभीर आवश्यकता की बात है। मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया। नौकरी तो पहले से जा चुकी, तुमको मालूम है। अभी बच्चे भी हॉस्टल से वापस आ गए। बहुत कड़की लगी है गुरु, कोई मंत्र बताओ ना। अभी कोई मंत्र चलाना, अभी मंत्र चलाना है तो दिल्ली के जंतर मंतर में जा, मेरे पास नहीं है। तुमको मजाक सूझ रहा है? यहाँ जान पे बनी हुई है। जान पर नहीं बनेगी तो काहे पर बनेगी? मैं तेरे को बोला था ना, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखा दे, नहीं सी निकाल ले। निकाली? मैंने जो बात बोली थी वो की ली की ना बेवकूफों जैसी बात। पुलिस में रिपोर्ट लिखा कर अपनी जेब में क्या आने वाला? और मैंने शोभा को जिस अमीर चंद के नाम के पैसे दिए थे ना, वो अमीर चंद भी तो नकली है। अरे तो असली दुनिया में है क्या? मगर मैं
अमीर चंद को फकीर चंद, ने फकीर चंद को अमीर चंद बना दूं, वो तो उल्टी की सीधी चक्की चला दूं, सीधी की उल्टी चला दूं। गुरु अब कोई ऐसी चक्की चलाओ कि मेरे घर का चक्कर चल जाए। चक्की चलाई तो थी, मैंने तेरे को भाड़े के टट्टू दिए थे ना, मगर उनका भी तूने बजर बट्टू बना दिया कि नहीं? वो तो मैंने हीरो को एक चांस दिया था। हीरो को चांस नहीं देना, नहीं तो क्लाइमेक्स में विलन की ऐसी तैसी करके रख देगा। ठहर जा, भेजेगी चक्की चल रही है। ठहर जा। लोग देख रहे हैं। अरे देखने दे लोगों को, लोग देखने के लिए आए हैं, ठीक है ना? ठहर जा। शोभा के हाथ के लिखेले वो दस्तखत किए कागज तेरे पास में है? उसकी हुंडी तेरे पास में है? अबे तो कामयाबी की कुंडी तेरे हाथ में है। एक काम कर, राकेश के दरवाजे पर जो लेटर बॉक्स है ना, उसमें क्लेवर फॉक्स की तरह एक लेटर डाल दे और राकेश का जनाजा निकाल दे। फिर राकेश तेरे पास में आएगा, गिड़गिड़ाएगा, ने बोलेगा माफ कर दे, काम निकल गया, भाग गया, इंसान जाग गया। तू? आवश्यकता की बात है, मैं आपके पति के जन्मदिन पर नहीं आया हूं, मैं उसका जन्म बिगाड़ने आया हूं। क्या मतलब? ये जो लेटर बॉक्स है, इसकी सिर्फ एक ही चाबी है और जो हमेशा आपके पति के पास रहती है, ये मैं जानता हूं। मैं ये लेटर इस बॉक्स में डालने आया हूँ। क्या इस खत में? इस खत में उस धोखे, चीटिंग, फोर्जरी का सबूत है जो आज तक एक राज था। इसमें एक जेरॉक्स कॉपी है उस प्रनोट की, जिस पर आपने जाली दस्तखत करके 20,000 रुपए उधार लिए थे, याद आया? अब मैं इसे इस लेटर बॉक्स में डालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं संपत, ऐसा मत करो, इस खत को लेटर बॉक्स में मत डालो। क्यों ना डालू? मैं भी तो ऐसे गिड़गिड़ाया था तुम्हारे उस आदर्शवादी पति के सामने कि मुझे नौकरी से मत निकालो, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? संपत प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पति। हाँ पति, आदर्श की मूर्ति आपके पति, आपके फरेब की इस दास्तान को जब वो पढ़ेंगे तो उनके पांव तले की जमीन खसक जाएगी, उनका खून खौल उठेगा और वो अपने घर में छुपे हुए मुजरिम पर लानत बरसाएंगे, खुद पुलिस को फोन करेंगे और अपनी बीवी को गिरफ्तार करवाएंगे, मगर अपने उसूलों पर आंच नहीं आने देंगे। और मैं ये तमाशा दूर से देखूंगा और उनसे कहूंगा, राकेश बाबू ये सौदा बहुत महंगा पड़ा आपको। बेचारी। इतनी रात को क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसे लगा कि कहीं आवाज से सुनाई दी, मैं देखने आ गई कि शायद कोई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
आधी रात को अगर ऐसी आवाज सुनाई दी तो मुझे क्यों जगाया? चलो बिस्तर में चलो। तुम्हें सुबह सुबह कोई दूसरा काम नहीं है? चले लेटर बॉक्स देखने। चलो आज नए साल का पहला दिन है, पहला काम तो कोई और किया होता। सुबह सुबह ये सब नहीं पढ़ने दूंगी। चलो पहले नहा धो लो, नाश्ता करो, उसके बाद फिर। क्या हो गया तुम्हें शोभा? ठीक है बाबा, नहा धो लूंगा पहले। अरे मेरा हाथ तो दे दो। हेलो शोभा। माधवी इतनी सुबह? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हूँ। तुम्हारे पति के दफ्तर में मुझे नौकरी मिल गई है। अपॉइंटमेंट लेटर। अपनी अच्छी खबर तो तुमने सुना दी, अब मेरी बुरी खबर तुम सुनो। क्या? हाँ माधवी, अब शायद हमारी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है। इस घर को आग लग जाएगी। वो संपत्ति का लिखा हुआ खत राकेश को मिल चुका है। अब कुछ ही पल में सब कुछ राख हो जाएगा। मैं शायद खुदकुशी कर लूं। जब राकेश मेरी जाली दस्तखत देखेगा तो उसके बाद क्या होगा भगवान ही जाने। शोभा, शोभा ये क्या है? क्या ये सच है? सच है? तुम ये गंदगी, ये कालक मेरे घर में रहकर मुझसे छुपाकर पालती रही? यू चीट, यू धोखेबाज, तुम मेरी बीवी होकर इतना संगीन जुर्म किया? मैं आपको पहले ही बताना चाह रही हूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ना मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक रहा, ना किसी से निगाह मिलाने के लायक। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ खाक में मिला दी तुमने। तुम कातिल हो शोभा, यू आर अ मर्डरस, मेरा कातिल। तुमने उस झूठे दस्तखत करके सिर्फ उस पैसे देने वाले को धोखा नहीं दिया, तुमने मेरा विश्वास, मेरी एग्जिस्टेंस को धोखा दिया है। मुझे तो खुदकुशी का मुकाम भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। अब सुनिए तो सही, मैंने ये क्यों किया? क्या क्या सुनू? तुमने किया है ना? बस जब कोई झूठा मुजरिम मेरे पास आता था तो मैं उसके केस को हाथ तक नहीं लगाता था, मालूम है तुम्हें? मैं क्या जानता था मेरे घड़ी में एक मुजरिम पल रही है, और वो भी मेरी बीवी है जिसे मैंने सब कुछ दिया, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। तुमने मेरे करियर के कोरे कागज पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। शोभा, आस्तीन का सांप भी वहां नहीं डसता जहां नागन बनकर तुमने डस दिया है। नहीं ऐसा मत कहो, वो सब तो मैंने, तुम बीमार थे, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही किया। शट अप! किस काम की वो जान जो मेरे असूलों के खून से रंगी हो? इससे तो अच्छा था तुम मुझे मर जाने देती। मैं पहाड़ था शोभा, पहाड़। मेरी तरफ देखने के लिए लोगों को सर उठाने पड़ते थे, लेकिन तुम्हारी एक जलील हरकत ने मुझे रास्ते का वो रोड़ा बना दिया है जो हर पांव तले रौंदा जाएगा। काश मैंने तुमसे शादी ना की होती। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। What for? You are a bloody criminal. तुम झूठी हो, कमीनी हो, तुम एक वेश्या से भी बदतर हो। वेश्या बेचती अपनी इज्जत, तुमने बेचती अपना ईमान जो इज्जत से भी ज्यादा कीमती होता है। तुम एक मुजरिमी नहीं, गंदगी में पलने वाली एक घिनौनी घटिया। एक तो जुर्म करती हो, फिर उसे छुपाती हो, और ऊपर से रो धोकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हो। काश मैं तुम्हें गिरफ्तार करा सकता, तुम्हें एक कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता। तुमने मेरे घर को नरक बना दिया है। ये क्या था? तुम्हारा गला घोंट दूं। Yeah.
पहचान खोई हुई जुस्तजू को पहचान अपनी उसी आबरू को और आकाश छूने की उस आरज़ू को और आकाश छूने की उस आरज़ू को तू पहचान अपने उबलने लहू को तू कर दे बगावत मुहूर्त सही है तू औरत है पैरों की जूती नहीं है भूल को माफ कर सकता हूँ मैं जुर्म को नहीं जुर्म क्या है राकेश किसी भी मुजरिम के कबूल करने पर वो जुर्म जुर्म नहीं रहता किसी भी मुजरिम के अंदर पछतावे की भावना जागने पर वो जुर्म जुर्म नहीं रहता अपनी पत्नी की जिस भूल को भूल समझना भूल गए हो तुम वो भूल उसे तुम्हारी जान बचाने के लिए की थी ये भी भूल गए हो तुम उस धोखे की मां जरूरत थी और वो जरूरत बहुत बड़ी थी तुम्हारी पत्नी के लिए उसके मांग के सिंदूर का सवाल था उसके मंगल सूत्र की मायात खतरे में थी धोखा तो बहुत मामूली बात है ऐसे हालात में तो मर भी जायज है क्या ये क्या कह रहे हैं आप कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं मगर एक बार फिर वही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले कही थी जिंदगी सिर्फ काला या सफेद नहीं है इन दोनों की मिलावट से बने बहुत से रंगों का नाम ही जिंदगी है प्रैक्टिकल बनकर जब सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि समझौता एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस कितने जरूरी हैं जीने के लिए उंगली उठाने से बेहतर है आशीर्वाद के लिए हाथ उठाना जेल की कोठड़ी में धकेलने से बेहतर है दुश्मन को माफ करके उसे अपने सीने से लगाना अरे थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ से बेवकूफ लोग देते हैं राकेश इंसान तो वो है कि अगर थप्पड़ मार दिया तो माफी मांग ली और अगर थप्पड़ खा लिया तो माफ कर दिया अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी किसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ सच माधवी हाँ मगर मेरी कुछ शर्तें हैं मुझे सब मंजूर है माधवी आज के बाद मेहनत से कमाओगे मेहनत की कमाई खाओगे सच को माँ और ईमान को बाप समझकर इन दोनों की सेवा करोगे आवश्यकता चाहे कैसी भी हो इस रास्ते से हटोगे नहीं मुझे सब मंजूर है माधवी शोभा के प्रोनोट या बाकी जो भी कागजात आपके पास हो वो अभी इसी वक्त मुझे दे दो चलो तुम्हारे लिए ये भी मंजूर है अब मेरी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है मैं संबत को माफ कर दूं उसे 5-7 हजार रुपए दे दूं और इसे नौकरी पर वापस रख दूं अब कोई जरूरत नहीं ये लो ओरिजिनल प्रोनोट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संपत ने लौटा दी है अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है अच्छी तरह देख लो शोभा ये तो कमाल हो गया शोभा मैं बच गया वो संपत का बच्चा मुझसे डर गया मैं बाल बाल बच गया किसी ने सही कहा था मिरेकल्स डू हैपन चमत्कार भी होते हैं सुबह देखो ए शोभा मैं बच गया ये क्या बदतमीजी शोमत ऐसे लगता है जैसे कोई जहरीला सांप दस रहा मुझे शोभा तुम्हें चुप रहो काश मुझे ये शादी से पहले मालूम होता कि मैं पिता नाम के पिंजरे से निकलकर पति नाम के पिंजरे में कैद हो रही हूँ ये घर तुम्हें पिंजरा लगता है सिर्फ पिंजरा ही नहीं ये घर जेल है नरक है कसाई खाना है ये क्या कह रही हो तुम जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ मैं आज ही नींद से जागी हूँ मैं
आज ही मेरी समझ में आया है कि तुम मुझे सिर्फ एक कठपुतली समझते रहे हो, अस्तित्वहीन, बेवजूद। मगर ऐसा नहीं है, आप मुझे अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पहचानना है। मैं क्यों घुटती रही, क्यों तड़पती रही, क्यों डरती रही? इस जेल से मुझे आजाद होना है। यानी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, आज, अभी, इसी वक्त। तुमने फैसला कर लिया है? बिल्कुल। इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी भर अपने ही बारे में सोचते रहे और अब प्यार की मांग कर रहे हो। पति पत्नी मिलकर हम हो जाते हैं, ये तुमने कभी नहीं सोचा? मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पोजीशन, इसी में डूबे रहे तुम। मिस्टर राकेश, वो 20,000 का कर्ज मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए लिया जब तुम मौत की नींद सो रहे थे। दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपनी खुशी से अपने सुहाग और अपने प्यार की अर्थी उठते हुए देख सकती है? मैंने अपने लिए तो एक कौड़ी भी नहीं ली, अपने ऊपर तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी गुलामी करती रही। ऐसा मत कहो शोभा, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मिस्टर राकेश, क्या कभी तुमने ये सोचा कि औरत मर्द की अर्धांगिनी होती है, गाड़ी का दूसरा पहिया? राकेश, औरत देवी हो या ना हो, मगर दासी नहीं होती, पैर की जूती नहीं होती। वो तो भावना की भूखी है, कुर्बान हो जाती है, और आदमी सिर्फ तमाशा देखता है। मैं पूछती हूँ राकेश, क्या मैं तुम्हारा खरीदा हुआ कोई खिलौना हूँ, या उस लेटर बॉक्स में रखा हुआ कोई खत जिसे फाइल करके तुम भूल जाओगे? क्या मैं इस घर को साफ सुथरा रखने के लिए खरीदा हुआ कोई गुलाम हूँ? राकेश, जिस भगवान ने तुम्हें पैदा कर इस दुनिया में भेजा, जब तुम उसे नहीं पहचान पाए तो मुझे क्या खाब पहचानोगे? तुम सिर्फ पहचानते हो अपने अहम को, अपने ईगो को, और अपने अहम में तुम ये भी भूल गए कि पति पत्नी का एक और भी नाजुक रिश्ता होता है, औलाद का, बच्चे का। तुमने कभी नहीं सोचा कि एक औरत माँ बनकर अपने अरमानों की झोली फूलों से भरना चाहती है, अपने घर में, अपने घर के आंगन में ममता की गंगा बहाना चाहती है। मैंने तुम्हारी ये जिद भी पूरी की, मगर तुमने मेरी सारी उम्मीदों, सारी आकांक्षाओं पे पानी फेर दिया। मुझ जैसी पतिव्रता पत्नी को तुमने वेश्या कहा, बेकार है तुम पर। तुम सिर्फ अभिमानी ही नहीं, खुद गर्ज, जिद्दी और जलील हो। मेरे चले जाने के बाद इस घर की एक एक ईंट सदियों तक मेरी बर्दाश्त की कहानियां सुनाती रहेगी, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं पूछती हूँ राकेश, आज तक तुमने कौन सी गाली नहीं दी मुझे, कौन सा जहर नहीं उगला? ये तुम थे जो कहते रहे और ये मैं थी जो सुनती रही। यहाँ तक कि तुमने मेरे चरित्र पर भी शक किया, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं क्यों चुप हूँ, क्यों जलील हो रही हूँ, किस लिए, किसके लिए? तब मैंने जाके ये फैसला किया कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। कल्चर और मर्यादा का झूठा अर्थ समझ रखा था, वो भरम भी टूट गया। आसमान साफ हो गया और नई जागृति के सितारे जगमगाने लगे। मेरे इस फैसले पर तुम्हें कोई अफसोस होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे कभी कोई अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, जैसे कि तुम थे ही नहीं, जैसे कि आज मेरा नया जन्म हुआ हो। शोभा, मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या क्या रही हो। तुम समझोगे भी नहीं। आज मैंने ये महसूस किया कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, और एक अजनबी के साथ कोई कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती राकेश। शोभा, छोड़ी हुई औरत के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं छोड़ी हुई औरत नहीं हूँ, मैं वो औरत हूँ जो पति के लिबास में एक ऐसे मर्द को छोड़ रही है जो लोहे से भी कठोर और कसाई से भी बदतर है। मुझसे इतनी नफरत? तुम इस तरह चली जाओगी तो मैं लोगों को जवाब क्या दूंगा? जवाब क्या दूंगा? कहते ना, उल्टा थी, दुष्चरित्र थी, मैंने निकाल दिया, और मैं अपने आप को डिफेंड करने नहीं आऊंगी। देखो राकेश, तुम्हारे घर से जा रही हूँ, कुछ लेकर नहीं जा रही, चाहो तो तलाशी ले सकते हो। सिर्फ ये दो कपड़े हैं जो पहनकर इस घर में आई थी, अगर लोक लाज का ख्याल ना होता तो ये दो कपड़े भी यहीं फेंक जाती। शोभा, तुम इस तरह नहीं जा सकती हो,
अगर कोशिश करोगी तो मैं तुम पर डाइवोर्स का मुकदमा कर दूंगा। तुम क्या मुकदमा चलाओगे? मुकदमा तो मैं चलाऊंगी, मैं तुम पर मान हानि का, डेफोमेशन का, मेंटल टॉर्चर का और डाइवोर्स का, समझे? क्रिमिनल तुम हो जो बसाने की बजाय घर उजाड़ते हो, मर्डर तुम हो जो गृहस्थी का गला घोंटते हो। क्या हक है तुम्हें पति कहलाने का? क्या हक है तुम्हें शादी रचाने का? बोलो, क्या अधिकार है तुम्हें एक जीते जागते इंसान को परिंदा बनाकर उसके पर काटकर पिंजरे में कैद करने का? क्या मैंने किसी मशीन के पुर्जे से शादी की थी या दीवार के किसी पत्थर से? बाहर मत जाओ, हंसो मत, ये मत करो, वो मत करो। कौन होते हो तुम मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? बोलो, खुदा हो तुम? कौन हो तुम? सिर्फ एक मामूली से इंसान हो अपने ही जंजाल में फंसे हुए। फंसे रहो, घिसते रहो अपना चश्मा, मगर जिंदगी को तुम कभी करीब से नहीं देख पाओगे। तुम्हारे सारे रिवाज, असूल, तुम्हारी पाबंदियां सबको तोड़ के जा रही हूं मैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पहचान कोई जुजुबो तो पहचान अपनी उसी आबरू को, और आकाश छूने की उस आरज़ू को, और आकाश छूने की उस आरज़ू को, तू पहचान अपने उबलने कही जिसने भी बात सच्ची कही है, अच्छी कही है। कही जिसने भी बात सच्ची कही है, अच्छी कही है। ये औरत है पैरों की जूती नहीं है, ये औरत है पैरों की जूती नहीं है। जिसने भी बात सच्ची कही है, अच्छी कही है। तू औरत है